गिरिडीह के डुमरी के घुजाडीह टोल प्लाजा के पास पुलिस ने मवेशियों से भरा हुआ एक कंटेनर जब्त किया है। बताया जा रहा है कि मवेशियों से भरा कंटेनर बिहार के रास्ते बंगाल ले जाया जा रहा था, तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर टोल प्लाजा के पास चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को करीब आते देखकर अपराधी कंटेनर से टोल प्लाजा के गेट को तोड़कर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर मवेशियों से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि कंटेनर का ड्राइवर और खलासी सहित अन्य लोग पुलिस को देखकर भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस ने सभी मवेशियों को मधुबन गौशाला भेज दिया है और थाने में एक मामला दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। गिरिडीह पुलिस को कंटेनर के फरार ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार करना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी के बाद मवेशियों की अवैध सप्लाई के नेटवर्क को पुलिस ध्वस्त कर सकती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश रजक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।